आइए, आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे यहाँ दो हॉस्पिटल है, एक हॉस्पिटल है जहाँ रिश्तेदारों के साथ में पेशेंट लोगों को भर्ती करते हैं, दूसरा हॉस्पिटल है जहाँ रिश्तेदारों के अलावा लोगों को भर्ती करते हैं। सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, यह हमारा संकल्प है। कभी पेरेंट्स हमारे पास में बच्चों को लेके आते हैं कि जिनको इनकॉन्टिनेंस ऑफ स्टूल्स होता है, मतलब कहीं भी लेटरिन करने की आदत या शिकायत। तो ये बच्चे जो हैं, इनकी उम्र या कोई बच्चे की उम्र यदि 4 साल से बड़ी है, ज़्यादा है, और वो 1 महीने में कम से कम एक बार और ऐसे लगातार 3 महीने कहीं भी लेटरिन कर देता है, स्टूल्स पास करता है, टट्टी कर देता है, संडास कर देता है, तो ये इनकॉपरेसिस की बीमारी हो सकती है। ये बीमारी में बच्चों को बाकी कोई शारीरिक बीमारी नहीं होना चाहिए, कोई भी शारीरिक बीमारी नहीं होना चाहिए, जैसे फिट्स वगैरह आ रहे हैं या और कोई बीमारी है जिसकी वजह से, या डायरिया हो चुका है और उसके वजह से वो कर रहा, वो बीमारी नहीं होना चाहिए। और कोई बीमारी नहीं होने के बावजूद भी वो कोई भी ऐसी संडास कर देता है तो फिर वो इनकॉपरेसिस की बीमारी है। अब इसमें ये देखना है कि उसका इलाज कैसा करें। इसके लिए पनिशमेंट तो बिल्कुल देना ही नहीं है। बच्चों को पहले गिल्टी लगता है तो उसका गिल्ट निकालना, उसकी एंग्जाइटी है तो एंग्जाइटी निकालना, उसको डिप्रेशन तो डिप्रेशन का इलाज करना, स्पेशली माँ बाप का इलाज करना कि उनको काउंसिलिंग करके भाई बच्चों को प्रेशर ना लाए, स्ट्रेस ना लाए बच्चे के ऊपर। और उसको ऑपरेंट कंडीशनिंग से उसका इलाज होता है, स्टार चार्ट, स्टार देके उसका एक चार्ट तैयार करते हैं, दीवार के ऊपर लगाते हैं। फिर यदि इनकॉपरेसिस के साथ में कॉन्स्टिपेशन है तो उसके लिए फिर दवाई देना जरूरी है कि लैक्सेटिव्स देंगे। इनकॉपरेसिस के साथ में डायरिया है तो फिर उसके लिए कॉन्स्टिपेशन की दवा देना जरूरी होगा, मतलब वो हिसाब से उसको दवा देनी पड़ती है। और फिर एंग्जाइटी रिड्यूसिंग ड्रग्स है, और मेनली बच्चों को काउंसिलिंग और पेरेंट्स को काउंसिलिंग, ये करने के बाद में काफ़ी लोग अच्छे हो जाते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 1 से 1.5% बच्चों को ये बीमारी दिखाई देती है इनकॉपरेसिस की, और इसमें ज़्यादातर पेरेंट्स का इलाज करना जरूरी है, जिसमें पेरेंट्स ने ना बच्चों को गिल्टी साबित करना या उनको पनिशमेंट देना, उनको ध्वस देना या स्ट्रेस देना, ऐसा नहीं करके उसको पेरेंट्स को रिलैक्स करना है ताकि वो बच्चों को रिलैक्स करेंगे और उसका बॉयल कंट्रोल लाएंगे। क्योंकि इनवॉलेंट्रीली, मतलब बिना समझे या समझ कर भी बच्चा ये हरकतें कर सकता है, और वो यदि कहीं भी ऐसी लेटरिन पास करता है और महीने में कम से कम एक बार ऐसे 3 महीने तक, तो ये इनकॉपरेसिस की बीमारी, उसका इलाज जैसा मैंने बोला ऐसा करना जरूरी है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।